Now in exercise 2.3 we would be learning how to divide two fractions. अब हम देखते हैं कि हमें दो fractions को divide कैसे करना है. अब सबसे पहली बात आपको क्या दिया हुआ है, 12 divided by 3 by 4. अब 12 divided by 3 by 4 को जब भी आपने सॉल्व करना है, what you will do first of all is divide का साइन किस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन में. और सेकेंड नंबर जो भी होगा आप उसका क्या रोगे, रेसिप्रोकल. सो 3 by 4 का रेसिप्रोकल क्या बनता है, इट वुड बी नथिंग बट 4/3. अब आप इसको रिड्यूस करो थोड़ा सा. इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से कैंसिल कर देंगे. 3 और 12 कैंसिल होगा तो 4 आ गया, एंड यू गेट 4 × 4 = 16. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड वन. 14 हो गया आपका, डिविजन का साइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन. और 5/6 को कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट एज 6/5. सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन दिस केस 14 × 6 वुड बी देयर. और 14 × 6 मल्टीप्लाई करने पे यू वुड गेट 4 है और 2 = 84. 84 डिवाइडेड बाय 5. इन द थर्ड पार्ट आपके पास फिर से 8 / 7/3 है. डिविजन का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन में. और जो सेकेंड नंबर है हमारा, जो सेकेंड टर्म है हमारा, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर गिवन टू अस. 7/3 है तो 7/3 का हमारा क्या हो गया, 3/7. 8 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू वुड गेट 24/7. नाउ इन द फोर्थ वन, फोर्थ वन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 / 8/3. और 4 / 8/3 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिविजन साइन विल गेट चेंज इन टू मल्टीप्लीकेशन साइन एंड यू वुड गेट 3/8, क्योंकि 8/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/8. अब 4 और 8 को कैंसिल करोगे, यू वुड गेट 2 इन द डिनोमिनेटर. तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 3/2. नेक्स्ट यू हैव 3 / 2 1/3. 3 आ गया यहाँ पे, डिविजन का साइन आप मल्टीप्लीकेशन में कर लो. और 2 1/3 को आपने क्या करना है, चेंज करना है द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना जरूरी है. यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6+1 हो गया हमारा 7/3. अब 7/3 का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा, 3/7. सो मल्टीप्लाई 3 with 3/7, 3 × 3 = 9, 9/7 आ गया हमारा. नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 5 / 3 = 4/7. अब 5 / 3 = 4/7 को पहले हम चेंज कर लेते हैं, दिस वुड बी 21. 21 में 4 ऐड किया हमारा कितना हो गया, 25. तो आ रहा 25/7. अब 25/7 को आपने क्या करना है, यू हैव टू चेंज इट इन रेसिप्रोकल फॉर्म. मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, 7 ऊपर आ गया, 25 नीचे आ गया. सो 5 and 25 कैन बी कैंसल, यू वुड गेट 7/5 एज द आंसर. दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट उन्होंने मेंशन नहीं किया तो यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर.